अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्पाम स्कोर क्या चीज़ है, इसे रिड्यूस किस तरह किया जाता है और आउटरीच किस तरह करते हैं स्पाम स्कोर रिड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें 27 सिग्नल होते हैं जिनके ज़रिए वो स्पाम स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो ये है कि जहाँ से आपकी वेबसाइट को बैकलिंक मिल रहा है उनके पेजेस बहुत कम है, मतलब 3-4 पेजेस हैं। तो इसका ये मतलब है कि उनकी ब्लॉग वगैरह नहीं है और वो भी स्पाम में काउंट होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कि उनका TLD जो है वो स्पाम है, .cc.info.pl ये वाली डोमेन्स। उसके बाद उनकी जो डोमेन लेंथ है आपको भी पता होगा, जो 10-15 करेक्टर्स की डोमेन होती है वो स्पामी होती है, या उनकी सब डोमेन भी हो तो वो भी स्पाम में काउंट होती है। तो उस चीज़ को भी ये सिग्नल काउंट करते हैं। और उसके बाद डोमेन नेम में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स, न्यूमेरिकल्स, मतलब न्यूमेरिक वर्ड्स होते हैं, जैसे 3, 4, 5 इस तरह करके उसमें नंबर्स होते हैं, तो उस चीज़ को भी ये स्पाम में काउंट करते हैं। उसके बाद वो डोमेन्स जो हैं वो गूगल फ़ॉन्ट API यूज़ नहीं करती, तो इस चीज़ को भी ये काउंट करते हैं। उसके बाद गूगल टैग मैनेजर उन वेबसाइट्स पे नहीं होता, तो इस चीज़ को भी ये काउंट करते हैं। जो इस तरह के ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स हैं गूगल फ़ॉन्ट और टैग, क्योंकि ये हर वेबसाइट नहीं यूज़ करती, तो इन्हें ये एक दो से और भी सिग्नल्स को देख के तो फिर उनके साथ मिला के तो फिर इसे काउंट करते हैं। उसके बाद डबल क्लिक, ये भी गूगल की तरफ से है, तो ये भी उन वेबसाइट पे नहीं होता। उसके बाद फ़ोन नंबर नहीं होता उस वेबसाइट पे, और लिंक्डइन पेज का लिंक नहीं होता उन स्पामी वेबसाइट्स पे, और ईमेल एड्रेस भी उन वेबसाइट्स पे कहीं भी पाया नहीं जाता। उसके बाद जो स्पामी वेबसाइट्स होती हैं वो ज़्यादातर HTTP होती हैं, HTTPS नहीं होती। और जो वेबसाइट्स मेटा कीवर्ड टैग यूज़ कर रही हैं वो भी स्पाम में काउंट होती हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि काफ़ी 5-10 सालों से उन्होंने ख़त्म कर दिया है, और जो पुरानी वक्तों की वेबसाइट्स हैं वो यूज़ करती हैं। और जंप शॉर्ट विजिट रैंक, ये भी एक अलेक्सा रैंक की तरह ही है, ये उसी के ज़रिए उसके रैंक को भी अपने सिग्नल्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद उन वेबसाइट्स पे हेल्प कैनोनिकल टैग नहीं होता, और टाइटल की लेंथ बहुत कम होती है, मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत लंबी होती है या तो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। उसके बाद मेटा कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं उन वेबसाइट्स पे, ब्राउज़र आइकन उन पे नहीं होता, फेविकॉन आपको पता होगा, और वो फेसबुक पिक्सल यूज़ नहीं करती, और उनके नंबर ऑफ़ एक्सटर्नल लिंक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा डोमेन से लिंक कर रही होती हैं, और उनकी एक्सटर्नल लिंक्स की रेशियो कंटेंट से बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद उन्होंने नेम में वॉवल्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए होते हैं, हाइफ़न यूज़ किए होते हैं डोमेन नेम में, और उनकी URL लेंथ जो है वो या तो बहुत ज़्यादा छोटी होती है या बहुत ज़्यादा लंबी होती है, और उनके अंदर पॉइजनस वर्ड्स होते हैं, जैसे गैम्बलिंग हो गया, एडल्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें, और वो हाई CPC एंकर टेक्स्ट यूज़ करते हैं ताकि वो अपने CPC को मैनिपुलेट कर सकें। उसके बाद जो चीज़ लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि आउटरीच या disavow, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि गूगल और चीज़ है और मोज और चीज़ है, और इन दोनों को आपस में ज़ीरो लिंक है। बेसिकली गूगल तो ये कहता है कि हमारी नज़रों में मोज एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जितने भी मैट्रिक्स हैं चाहे वो मजेस्टिक के हों या किसी और वेबसाइट के हों, वो उनकी नज़रों में एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर आप disavow वहाँ सबमिट भी कर दें तो इससे मोज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्पाम स्कोर, क्योंकि मोज का मैट्रिक्स है, गूगल का नहीं।
तो उसका वाहिद हल ये है कि आप आउटरीच करें, जो वेबसाइट्स आपको स्पामी लिंक दे रही हैं आप उन्हें कहें कि हमारा लिंक रिमूव कर दें। तो आपने ये आउटरीच किस तरह करनी है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। तो हमने उन्हें एक ईमेल लिखनी है ऐसे, गुड आफ्टरनून या गुड नाइट या जो भी है। तो इधर जो वेबसाइट ओनर है उसका नाम, या इधर उनकी टीम का नाम लिख सकते हैं, जैसे 10 20 टीम, या ऐसे भी लिख सकते हैं गुड आफ्टरनून लुकमान, अगर हमें ओनर का नाम बताओ। तो इधर हम एक ईमेल लिखेंगे, आई एम वर्किंग ऑन द लिंक क्लीन प्रोजेक्ट फॉर, यहाँ पे आपकी डोमेन का नाम गेमिंग स्कैन, एंड वुड लाइक योर हेल्प इन रिमूविंग ऑल लिंक टू आवर साइट फ्रॉम दिस पेज। और यहाँ पे उनके पेज का लिंक जहाँ से आपको वो लिंक दे रहे हैं, अच्छा यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, तो इसको आगे सेंड करने के दो तरीके हैं। एक तो आप सर्च ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, या आप उनकी ईमेल फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे डोमेन का नेम ये जहाँ पे वो अपना ईमेल यूज़ कर रहे हैं, या इधर अगर आपने उनकी कोई बड़ी वेबसाइट है तो इधर उनकी टीम का भी आप सर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप उनका पेज फाइंड कर लेंगे। बेहतर ये है कि आप उन्हें ईमेल करें, क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्पाम होते हैं और ये अनलाइकली है कि वो यहाँ से रिसीव करें, आपके ईमेल को देखें। तो आपने ये सारा इधर पेस्ट करना है, और इसका नाम आपने रखना है ये सब्जेक्ट होगा उनकी वेबसाइट का नाम, और यहाँ पे आप अपना ईमेल लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपने रिकमेंडेड किया है कि आप उन्हें डायरेक्ट ईमेल से रब्ता करें, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स ना यूज़ करें, तो बाकी आपकी मर्ज़ी, हो सकता है कि वो कॉन्टैक्ट फॉर्म से भी देख लें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए वैल्यूएबल होगी, और आपने यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई न्यू चीज़ सीखी होगी। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।